क्या देखा भाई? ये पीछे चार्जिंग स्टेशन लगे हुए, क्या लगता है आपको कि भाई चार्जिंग स्टेशन तो मुझे मिल गया, घर के करीब मिल गया, तो टेस्ला ले ही लेते हैं यार। जून आने वाला है तो हुकूमत ने कुछ ना कुछ इकदाम तो दिखाने हैं। वो बैक होम वाला ही तरीका है दिखाने के लिए कि इलेक्शन से पहले कुछ चीज़ें शो करो। जैसे आप देख रहे हैं एक्टिविटी, क्या देखा भाई? एक बार फिर खुश आमदीद भाई। सोचा कि ये पीछे चार्जिंग स्टेशन लगे हुए, क्या लगता है आपको क्यों दिखा रहा हूँ? मैं टेस्ला कार ले रहा हूँ भाई। मैंने क्या टेस्ला लेनी है, लेकिन बात ये है कि अभी जो ऑन्टारियो में बजट वगैरह अनाउंस हुआ है, डॉग फोर्ड की गवर्नमेंट है यहाँ पे, जून आने वाला है तो हुकूमत ने कुछ ना कुछ इकदाम तो दिखाने हैं। वो बैक होम वाला ही तरीका है दिखाने के लिए कि इलेक्शन से पहले कुछ चीज़ें शो करो। जैसे तकरीबन 22 मार्च से हमारे मास्क वगैरह हटा दिए पब्लिक प्लेसेस पे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अलावा, अस्पतालों वगैरह के अलावा। ओल्ड पीपल के लिए हाउस होते हैं, यानी इसको कहते हैं जहाँ सेंसिटिव लोग रहते हैं, उन केयर्स के होम्स के अलावा मास्क की रिक्वायरमेंट हटा दिए। फिर टेस्टिंग रिक्वायरमेंट वगैरह ट्रैवल पे कम की है, इलेक्शन से पहले ही करनी थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा चैनल एक्टिविटी है। सुबह से शाम तक ज़िंदगी में जो कुछ होता है ये मुझे शेयर करना अच्छा लगता है, इसका जिक्र करना, बात करना, स्टोरी बनाना, वीडियो बनाना, इस पर मुझे अच्छा लगता है। अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आए तो बहरा मेहरबानी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। इसके अलावा ऑल नोटिफिकेशन के साथ बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि तमाम आने वाली वीडियोस की इत्तला आपको बरवक्त मिलती रहे। अगर आपको मेरी कोशिश नहीं भी पसंद आती है मगर अब YouTube के अल्गोरिथम की वजह से हमारे रास्ते टकरा गए हैं, तो बरवाए मेहरबानी जाते जाते कमेंट कर दीजिए। आपके इस कमेंट से किसी का भला हो जाएगा, सीखने का मौका मिलेगा और इंशाल्लाह मैं बेहतर करने की कोशिश करूँगा। तो अब ये चार्जिंग स्टेशन देख रहे हो, पहले तो बैकग्राउंड बता दूँ कि ये चार्जिंग स्टेशन यकीनन ये फ्रेश स्टोर है, ग्रोसरी स्टोर है कनाडा की बहुत बड़ी। इसने लगाए होंगे, कमाई के लिए लगाए होंगे, क्योंकि इससे आपको ये बताया जाता है कि पेट्रोल से भी कम आपको माइलेज मिलती है, कॉस्ट पड़ती है। ये आप समझ लो उतने ही पैसों में $1 जाने पे ज़्यादा माइलेज मिलती है, या आप समझ लो कि $1 में आपको 10 किलोमीटर माइलेज मिलती है तो इसमें $1 में आपको 15 किलोमीटर माइलेज मिल जाएगी। तो भाई कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। तकरीबन $10 मिलियन बल्कि तकरीबन $9 मिलियन जो है ऑन्टारियो गवर्नमेंट खर्च कर रही है ये इलेक्ट्रिक चार्जिंग वैसे स्टेशन पूरी कनाडा में लगाएंगे। इसका बैकग्राउंड ये है कि यूक्रेन में जो लड़ाई लगी हुई है, रशिया और यूक्रेन का मामला चल रहा है, तो कहते हैं पेट्रोल महंगा हो रहा है, गैस महंगा हो रहा है, यूरोप को गैस महंगी पड़ रही है। हालांकि आप गौर से देखें तो यार उसने सप्लाई तो अभी बंद नहीं की है, ना रेट बढ़ाए, वो तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है। क्योंकि आपने ये भी सुना होगा कि उसने बोला कि भाई रूबल्स में पैसे दो, लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि सबने बोला हम रूबल में पैसे नहीं देंगे, यूरो में या डॉलर में मायदा हुआ उसी में पैसे मिलेंगे आपको ना। तो आप देख लो कोई एक्शन हुआ है, कहीं से आ रही है बात। मुझे पता है कि उसकी न्यूज़ मार्केट में नहीं आ सकती, लेकिन किसी और मुल्क से आया है कि उससे हमारा बहस चल रही है कि वो स्ट्रोक ऑफ पेन जो है रशिया का सदा चेंज कर सकता है, हमें जो रूबल से पैसे चाहिए। तो उन्होंने ने भाई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर रेट तय किए हुए होते हैं, 3 महीने, साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, सीज़न के हिसाब से भी रेट ऊपर नीचे हो सकते हैं, वो एग्रीमेंट के मुताबिक होगा और जिस करेंसी में दिए जाएंगे वो भी होगा। तो ये हो रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगी, जबकि आपको पता है कि नॉर्मल गैसोलीन व्हीकल के मुकाबले में इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्राइस का कितना फ़र्क है। मैं आपको छोटा सा भी एक क्लिप दिखाता हूँ, तस्वीर दिखाता हूँ, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने गालिबन ना न्यूयॉर्क या न्यूयॉर्क टाइम्स ने, अगर कोई करेक्शन होगी तो ऊपर लगा दूंगा मैं। तो उसने बोला कि भाई जो है ना ऑयल प्राइसेस बहुत दुनिया में बढ़ रही हैं और वाकई में बढ़ी हैं, तो लोग ना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर शिफ्ट हो रहे हैं और दिखा रहे हैं टेस्ला, या लोग लाख डेढ़ लाख डॉलर की, US डॉलर की गाड़ी लेंगे या
इलेक्ट्रिक पे चलाने के लिए। आप सोचो एक बंदा औसतन $200 खर्च करता है गाड़ी को चलाने पे ना, अगर वो 15 साल भी गाड़ी की खुद खींच तान के चलाता है और 15 साल में रफली आप लगा लो 150 महीने भी हुए तो $25,000-30,000 उसने खर्च किए उसके ऊपर ना, गाड़ी के ऊपर और फ्यूल के ऊपर। और आप बोलते हो कि बचत होगी, यानी वो $30,000 की $25,000 की गाड़ी छोड़ के $100,000 की गाड़ी ले ले और बिजली पे पैसे बचाए, जबकि आपको ये बात भी पता होगी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज होने में कितना टाइम लेती है, 10-10, 12-12 घंटे। कहते हैं कि 10 मिनट चार्ज कर लो तो जी 50-40 किलोमीटर चल जाती है। अब आप क्या ये खेलते ही रहोगे इससे, क्या मोबाइल का चार्जर की तरह रख के घूमोगे और चार्ज करते रहोगे उसको ना? ठीक है, ठीक है, मुझे पता है ये ट्रांजिशन आहिस्ता आहिस्ता होती रहेगी, तब्दीलियाँ आती रहेंगी, डेवलपमेंट होती रहेगी, चीज़ें रुकेंगी नहीं, लेकिन ये बहुत प्रीमैच्योर लगता है और ये ना फिलहाल दीवाने का ख्वाब लगता है। और जहाँ तक रशिया की मैंने बात की कि वो कह रहा है कि रूबल में पैसे दो, उससे ऑयल पर प्रेशर आ रहा है, तो भाई जिन कंपनीज़ को बल्क में सप्लाई करता है वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, या जर्मनी जैसे मुल्क में पहले बल्क सप्लाई करता है, वो अपने मुल्क को भी देता है, दूसरे छोटे मुल्कों को भी देता है, उन कंपनियों से पूछो ना कि वो थोड़ा सा गेम कर रही हैं। ये जितना मैंने रिसर्च की, अंडरस्टैंडिंग की है, मैं उसके मुताबिक आपको बता रहा हूँ। तो अब ये जो चार्जिंग स्टेशन है, टेस्ला वेस्ला मैं कोई नहीं ले रहा, इलेक्ट्रिक व्हीकल कोई नहीं ले रहा, गैसोलीन व्हीकल ही सही है, दो मिनट में नोज़ल लगाओ, चप्पे चप्पे पे होता है, फ्यूल भरो और आगे निकल जाओ। कि जी 10 मिनट चार्ज करके 40 मिनट चलेगी और इसकी इंजन की मेंटेनेंस कम होती है, उसकी मेंटेनेंस ज़्यादा होती है, जब इसकी बैटरी वगैरह तब्दील करनी पड़ेगी तब क्या होगा, 7-8 साल 5 साल इनकी बैटरी लाइफ होती है, तब क्या होगा? हाँ, मैकेनिक हाथ नहीं लगाएगा, हर चीज़ कंपनी के पास लेके जाओगे आप क्या? तो इसके पैसे तो ये कब आएगा? अब वो गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी, पब्लिक को सस्ता तो नहीं पड़ेगा, अब वो गवर्नमेंट का होगा या ऐसा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में होगा, ये मैं नहीं कह सकता। तो मैंने कहा थोड़ा सा शेयर करूं कि ये कनाडा में ओंटारियो में चार्जिंग स्टेशन लगना शुरू हो गए हैं, और वैसे भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सिवाय टेस्ला के बहुत सी कंपनीज़ के पास ना, दूसरी कंपनियां भी इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रही हैं। इस मौके पे एक बात और मैं बता दूं कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको याद होगा एक ज़माने से बैटरी ऑपरेटेड फोर्कलिफ्ट ट्रक वगैरह फैक्ट्रीज में चलते रहे, तो बैटरी से चलने वाली गाड़ियाँ नहीं थी वो, तो इसमें ऐसी कौन सी यूनिक बात आ गई कि आप जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल ले रहे हो उसको भी बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल कह दो। हाँ, सेल्फ ड्राइविंग वगैरह का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग हो सकता है। जाते जाते मुझे एक बात याद नजर आई कि भाई चार्जिंग स्टेशन तो मुझे मिल गया, घर के करीब मिल गया, तो टेस्ला ले ही लेते हैं यार, इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लेते हैं, लेकिन दीवानी रखा कैसे दिन गाड़ी अपनी सही है भाई, सबकी गैसोलीन गाड़ियाँ मज़े से चला रहे हैं, फ्यूल भरो निकलो, नॉइज इमिशन पोल्यूशन बहुत ज़्यादा जो है फैंसी चीज़ें हो जाती हैं ग्रेटा थनबर्ग की तरह। हाउ डेयर यू। चले, उम्मीद है मेरी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, मत भूलना सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।